हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिक सीरीज ऑफ एस्टर, आपको एक डाटा दे रखा है एंड एस्टर की कंसंट्रेशन दे रखी है एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉग भी लगा सकते हैं। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 seconds। तो एवरेज रेट निकालना है एंड आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन होती है तो हमें पता है कि रेट जब हम निकालते हैं तो हम पहले ही माइनस लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फाइनल कंसंट्रेशन विल बी लेस देन दैट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ऐसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चंस में, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 60 सेकंड्स में? 0.17। इनिशियल कंसंट्रेशन 30 सेकंड्स पे 0.31 अपॉन टाइम टेकन 60। फाइनल है टाइम, इनिशियली टाइम वॉज 30। क्लियर? तो बस इसे सॉल्व करना है एंड इसे सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 0.31 माइनस 0.17, 0.31 माइनस 0.17 डिवाइड बाय 30, तो 0.00046। तो 4.66 इंटू 10^-3, ये आपका रेट रहेगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। टाइम आपके पास सेकेंड्स में, हाँ ठीक है, तो टाइम मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये आपकी यूनिट्स हो जाएंगे। एंड सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस। तो देखो, टाइम जीरो मतलब ये तो इनिशियल कंसेंट्रेशन है अपने पास, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाते हैं। के हमें निकालना है। फर्स्टली टाइम है 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स। KT, दिस इज 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए। ए नॉट कितना है अपने पास? 0.55। एंड अब ए कितना हो जाएगा, फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.31, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप K निकाल लो, इसको मैं K1 नाम दे देता हूँ। फिर आप क्या करो, इसी तरीके से आप 60 सेकेंड्स पर K निकाल दो। तो 60 सेकेंड्स पर जब K निकालोगे तो K इंटू 60, दिस इज 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट तो सेम रहेगा 0.55, लेकिन अब ए कितना हो जाएगा? ए आपके पास हो जाएगा 0.17। तो यहां से आप एक और के की वैल्यू निकाल लो, K2। सिमिलरली आप 90 सेकेंड्स पे एक के की वैल्यू निकाल लो जो आ जाएगी K3। फिर आप क्या करो, इन तीनों का एवरेज ले लो। तो रेट कॉन्स्टेंट जो आपके पास फाइनली आंसर आना चाहिए वो क्या आएगा? K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3, इन तीनों का एवरेज, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। एंड इसके यूनिट्स, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स क्या रहेंगे? सेकंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट्स विल बी सेकंड इनवर्स। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।